हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे टीचिंग प्रोसेस की। दोस्तों शिक्षण की जो प्रक्रिया है, अभी हमने बात किया टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस टीचिंग की इस प्रोसेस जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या टीचिंग में दो, यहां पे लिखा हुआ है टीचिंग प्रोसेस इज बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब द्विध्रुवीय, दो ध्रुव है इसमें, वन इज टीचर एंड अनदर इज लर्नर। तो हम आगे निष्कर्ष निकालेंगे, अभी सबसे पहले हमें यही तक बात करनी है कि टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस, यानी कि टीचिंग में दो लोगों का होना अनिवार्य है। जब तक ये दोनों दोनों पोल यानी दोनों की दोनों एलिमेंट्स जो है वो एक साथ नहीं होंगे, तब तक टीचिंग पॉसिबल नहीं है। कौन कौन होना चाहिए टीचिंग की प्रक्रिया में, सबसे पहले हमने बात की है एक तो लर्नर होना चाहिए और दूसरा कौन होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, यानी कि कोई सीखने वाला होना चाहिए और दूसरा कोई सिखाने वाला होना चाहिए। सिखाने वाला तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वहां पर कोई सीखने वाला ना हो, और सीखने वाला कक्षा कक्ष में तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि कक्षा कक्ष में कोई शिक्षक ना हो। दोस्तों लर्नर के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो बिना टीचर के नहीं सीख सकता, लर्निंग कैन बी डन एनीवेयर, सीखा तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब बात एक पर्टिकुलर सिनेरियो की हो रही है, पर्टिकुलर एरिया की, क्लासरूम की बात हो रही है, तो वहां पर लर्नर तो होना ही चाहिए और साथ में उसको सिखाने के लिए एक टीचर भी होना चाहिए। तो टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस, टीचिंग यानी कि शिक्षण जो है वो एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यहां तक ये बात हमारे समझ में आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, यहां पर लिखा हुआ है टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस जो ट्राइपोलर है यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब पहली जो प्रक्रिया बताई गई थी वहां पे द्विध्रुव बताए गए थे, दो पोल बताए गए थे, एक टीचर एक लर्नर, लेकिन यहां पर तीन ध्रुव बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब अपन इस चीज को आगे एलोबरेट किया, हमने इसको आगे समझने का प्रयास किया, तो हमें ज्ञात हुआ कि टीचिंग जो है वो बिना पाठ्यचर्या के, बिना एक पर्टिकुलर करिकुलम के तो पॉसिबल ही नहीं है। एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में शिक्षक भी बैठा हुआ है और उसी क्लासरूम में बच्चे भी, लर्नर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब टीचर के सामने समस्या ये है कि वो बालकों को क्या पढ़ाएगा, और बालकों के सामने समस्या ये है कि वे टीचर से किस विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब तक कि उनके पास में एक निर्धारित उस कक्षा विशेष के लिए, उस क्लास विशेष के लिए तय किया गया करिकुलम नहीं होगा, पाठ्यचर्या नहीं होगी, पाठ्यक्रम नहीं होगा, तब तक वह शिक्षक बालकों को पढ़ा नहीं पाएगा और बालक शिक्षक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यहां पर माना गया है कि टीचिंग में एक तो टीचर होना अनिवार्य है, दूसरा उसमें शिक्षार्थी का होना अनिवार्य है, और उसमें इसके साथ साथ में करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या का भी होना अनिवार्य है, ताकि टीचर को क्या पढ़ाना है इसकी दिशा मिल सके और जो विद्यार्थी है उसको क्या पढ़ना है इसका ज्ञान हो सके।